मतलब अगर मैं बात करूं जैसे कि आपने यहाँ पे टोल टेकर किया हुआ है तो ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा और आप क्या सोचे थे कि कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? सर बहुत अच्छा रहा और जो बॉल साफ करने की ट्रिक बताएगी सर वो सबसे बेस्ट लगी। पूरा निकालने का बच्चे देख रहे हैं, इधर थोड़ा मुंह कीजिए, फेस कीजिए, बच्चे देख रहे हैं तो उन्होंने किस बात पे तुम्हारी भरोसा कर लेना चाहिए? सर हम बात के भरोसे यानी अभी हमारे अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि हम काम कर सकते हैं। अनमोल मैं एक चीज पूछना चाह रहा था यहाँ पर कि बेसिकली एक कॉन्फिडेंस आता है ना काम करने के बाद में आता है तो हमें अच्छा फील होता है, तो ये कॉन्फिडेंस क्या सोच के आए थे कि वो मैं क्या सीख लूंगा और क्या एक्चुअली में आप सोच रहे हो, मतलब आपकी क्या फीलिंग चेंज हुई है पहले और आपके अनुभव में कितना अंतर है मैं ही जानना चाहता हूँ। पहले सर तो हमारे पास कोई भी सेट वगैरह आता था तो नॉर्मली तो कर लेते थे लेकिन जो बड़ा सेट है वो हमारे दिमाग से बाहर ही होता था, हमारा नजरिया ही चेंज हो गया पीसीबी देखने का। पहले तो पीसीबी देख के हमको कुछ समझ ही नहीं आता कौन सा कंपोनेंट से कौन सी ऐसी क्या वर्क करती क्या नहीं, लेकिन यहाँ आने के बाद हमको हर एक चीज़ का नॉलेज हो गया कि कौन सी ऐसी क्या वर्क करेगी उस हिसाब से हम डायग्नोस करके उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। आप दोनों अगर यहाँ से आने का स्टूडेंट को रेफर करने वाले हैं? सर बिल्कुल 100% रेफर करेंगे। बिल्कुल सर किसी को भी सही राय देंगे और हम सजेस्ट करेंगे कि सही जगह जाए और सही जगह एशिया टेलीकॉम। हमारे नॉलेज से जो भी देखेंगे हमको ये जरूर पूछेंगे कहाँ से सीख के आओ। बिल्कुल बिल्कुल, तो हमें छुपाना क्यों उसको? सही बात है, हमें छुपाना क्यों, हमें उसको रेफर करना है ना, तुम भी जाओ के सीख के आओ, तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस है तो सीख के आओ। सही बात है, सही बात है। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और ये वीडियो को देखिए इन लोगों को यहाँ पे काम करते हुए, थैंक यू। ये इंडिया में आपने मुझे नहीं लगता होगा इतनी बड़ी लैब देखी होगी कभी किसी इंस्टीट्यूट में देखी कभी। सो यहाँ पर लगभग हमारे पास 60 माइक्रोस्कोप यहाँ दिखाना चाहूंगा, ये हमारी 28 में क्लास। कैसे हैं स्टूडेंट? मुझे बताइए आज अब तक का सफर कैसा रहा आप लोगों का? किस किस का पैसा वसूल हुआ है मुझे बताइए यहाँ पर, देखा यहाँ पर। और आज एशिया टेलीकॉम जैसे कि हर महीने मैं आता हूँ तो आज जो मैं स्टूडेंटों से मिला हूँ बहुत एनर्जी मुझे देखने के लिए मिल रही है स्टूडेंटों के अंदर कि हाँ कुछ कर दिखाने का उनके अंदर जुनून है। और जो ये बच्चे हैं यहाँ से जब सीखने के बाद जाएंगे तो उसके बाद भी बहुत अच्छा काम करेंगे ऐसा इन्होंने प्रण लिया है। और मैं भी यही चाहता हूँ या हमारी पूरी टीम यही चाहती है एशिया टेलीकॉम की कि जो इन्हें सिखाया जा रहा है उस पर ये मेहनत करें और आगे बहुत सफलता हासिल करें। इसमें आके ये डुअल डे करें M30 के बोर्ड, ये कुछ A30 ताकि वो इसे सीपीयू रैम निकाल के इसको रिवॉल्व करके लगाए और प्रैक्टिस हो जाए उसकी। तो चलिए चलो हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत। सो हाय माय यूट्यूब फैमिली है, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है देवेंद्र अग्रवाल, एशिया टेलीकॉम की पूरी टीम के साथ में मोहम्मद सर अभी सामने हैं और साथ में हमारी फातिमा मैडम भी है। सो ये जो दिन है ये काफ़ी खास दिन होता है, बड़ा दिन होता है हमारे लिए क्योंकि ये है डुअल डेकर डे। और हमारे साथ में खास तौर पर हर महीने की तरह हर महीने और हर बार की तरह बाहर से आते हैं हमारे टीम के खास मेंबर ZX मलिक सर। और बहुत टाइम क्योंकि अभी मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा रिकवर होके आ रहे हैं तो से बीमार थे अभी, है ना, आप रिकवर हो गए, बहुत अच्छा लग रहा है। पिछली बार आपने शायद इनको नहीं देखा होगा और आपको दिखाएंगे अभी 28 मई के जुनूनिंग बच्चे, बिल्कुल हार्डकोर बच्चे जिनके अंदर जुनून है कुछ करने का और जिन्होंने यहाँ पे बहुत जी तोड़ के मेहनत की है और उनसे पूछेंगे। और आज यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये दिखाओ तो पास में आके, ये डुअल डे करें M30 के बोर्ड, ये कुछ A30 A20 नहीं है या A10 नहीं है, ये M30 है। देखो M30 के बोर्ड आपको देखने मिलेंगे, A50 के बोर्ड आपको देखने को मिलेंगे, एकदम लेटेस्ट बोर्ड। और यहाँ पर ये हम सब फ्री दे रहे हैं अपने स्टूडेंट को ताकि वो इसे CPU RAM निकाल के इसको रिवॉल्व करके लगाए और प्रैक्टिस हो जाए उसकी। तो चलिए चलते हैं और एक बार मैं अपनी टीम से मिलाता हूँ और देखता हूँ कि उनका उत्साह क्या है और किस तरह से बच्चे हैं क्या हैं। सबसे पहले मिलन सर बताओ। नमस्कार सर, मैं आज आप लोगों को मिलाना चाहूँगा हमारी जो
थ्योरी लैब देख रहे हैं, प्रैक्टिकल लैब देख रहे हैं। तो प्रैक्टिकल लैब में हमारा काम चल रहा है, आज डबल डेकर की हमारी क्लास है, जो स्टूडेंट के सामने हम हर को प्रैक्टिस करवाते हैं किस तरीके से क्लीनिंग होता है, क्या होता है, सबसे करवाता है एक एक करके। और एक एक बोर्ड की 1500 रुपये कीमत है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं और करवाते हैं। और हमारी जो क्लासेस होती है, ये क्लासेस सिर्फ करवाने के लिए नहीं, सिर्फ करके दिखाया जाता है कि किस तरीके से होता है कि नहीं होता है, होता है नहीं आता है तो क्या प्रॉब्लम है, क्या रीडिंग है, क्या एक सही तरीके से सही तरीका हम करवाते हैं कि किस तरीके से क्या होता है। बाकी हम बात करेंगे हमारे सॉफ्टवेयर सर से। हेलो, मैं ऐसे टेलीकॉम से दुर्गेश। और जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हमारी जो क्लास है, सर ने बताया डुअल टेकर क्लास चल रही है। ऐसा नहीं कि हम पहले दिन इनको करा देते हैं, हर एक दिन का हमारा स्टेप बाय स्टेप होता है, हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप पढ़ा जाता है। पहले हार्डवेयर, फिर सॉफ्टवेयर, फिर MMC का चल रहा है यहाँ पे। आज डुअल टेकर डे चल रहा है यहाँ पे, मैं सॉफ्टवेयर पढ़ाता हूँ। ऐसा नहीं डाउनलोड, हर दिन एक नया, जो भी ड्राइवर से एरर हो, चाहे वो फाइलों का प्रॉब्लम हो, टूल्स का एरर हो, हर एक चीज़ विद प्रैक्टिकल, ऑनलाइन ऑफलाइन का जो मसला है ऐसा कुछ भी नहीं होता है, विद प्रैक्टिकल यहाँ पे दिखाया जाता है। और वो सारे स्टूडेंट करते हैं, जो भी एरर्स आते हैं वो हम अपने लैपटॉप में नहीं, एक फ्रेश लैपटॉप। वो भी मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, हमेशा हर एक स्टूडेंट, मुझे नहीं पता कैसा पढ़ाया जाता है, बट यहाँ पे लेटेस्ट जो विंडो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बोलते हैं किस में आप पढ़ाते हो, हम 7 में नहीं पढ़ाते, हम 11 में पढ़ाते हैं। आप स्टूडेंट से भी पूछ सकते हैं और देख भी सकते हैं। बिल्कुल, आप लोग ने सर लोग के वीडियो देखे होंगे, फेसबुक में भी देखा होगा। आइए मैं मिलाता हूँ पहले ZX मलिक सर को, और बताइए कैसा लग रहा है अभी रिकवर होकर वापस आकर काम में, और एशिया टेलीकॉम के इस बैच के बच्चे कैसे लगे? बिल्कुल, थैंक यू सर। जैसे कि 2 महीने से मुझे किसी ने देखा नहीं था, मैं थोड़ा बीमार था, जो अभी रिकवर हो गया हूँ। और आज एशिया टेलीकॉम, जैसे कि हर महीने मैं आता हूँ, तो आज जो मैं स्टूडेंटों से मिला हूँ, बहुत एनर्जी मुझे देखने के लिए मिल रही है स्टूडेंटों के अंदर, कि हाँ कुछ कर दिखाने का उनके अंदर जुनून है। और जो ये बच्चे हैं, यहाँ से जब सीखने के बाद जाएंगे तो उसके बाद भी बहुत अच्छा काम करेंगे, ऐसा इन्होंने प्रण लिया है। और मैं भी यही चाहता हूँ, या हमारी पूरी टीम यही चाहती है एशिया टेलीकॉम की, कि जो इन्हें सिखाया जा रहा है उस पर ये मेहनत करें और आगे बहुत सफलता हासिल करें। और उसके साथ में टूल की क्लास में खास क्या देने? बिल्कुल सर, कल इनकी जो है लाइव टूल की क्लास होगी, जिसमें हर टूल्स के बारे में लाइव इन्हें बताया जाएगा, लाइव दिखाया जाएगा, इन्हें एक्सपीरियंस कराया जाएगा कि हाँ कैसा टूल्स होता है, क्या आपके लिए बेटर है, क्या नहीं है। तो जो कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं कराता, एशिया टेलीकॉम वो चीजें कराता है। बिल्कुल, और ये पूरा लाइव चलेगा कल? बिल्कुल सर, सारा आप फेसबुक पर लाइव देख सकते हैं, एशिया टेलीकॉम सर्च कर लेना, अभी भी लाइव चल रहा है। यहाँ पर दिखाओ अनिल, ये देखो यहाँ पर छोटो अनिल, ये देखे यहाँ पर, ये देखिए। और लाइव के बारे में थोड़ा दीपक सर भी बताएंगे, बताओ। बिल्कुल सर, मैं लाइव के बारे में बताना चाहूँगा कि हमारी क्लास जो काउंसलिंग क्लास, जो महीने की स्टार्टिंग फर्स्ट डे की क्लास होती है, जो 27 को लगती है हमारी बैच, उस दिन से लेकर आज तक का आप क्लास देखिए, लास्ट डे इनके जाने से पहले तक का क्लास आपको दिखाएंगे। बिल्कुल भी आपको एक एक दिन का लाइव आपको देखने को मिलेगा कि बच्चे कर क्या रहे हैं। फर्स्ट डे रिवॉल्विंग कर रहे हैं, सेकेंड डे रिवॉल्विंग कर रहे हैं, तीसरे दिन में पावर कर रहे हैं, चौथे दिन में आपको CPU लाइव चालू फोन से निकाल के लगाते हुए आपको मिलेंगे। ऐसे सारे क्लासेस आपको लाइव ही मिलेंगे देखने के लिए फेसबुक चैनल पे। आप कैसे हैं? इस बार के बच्चे सर आउटस्टैंडिंग है, बहुत ज़बरदस्त मेहनत करने में तो सर इन्होंने कोई कसर ही नहीं छोड़ा है। और बाकी आप देखना है कि ये मेहनती है कि नहीं है, आप बिल्कुल लाइव जाइए फेसबुक चैनल पे एशिया टेलीकॉम के, और देखिए उनको कि किस दिन क्या काम किया इन्होंने। और हमारी लाइव MFC चेंजिंग की भी क्लास चली है, वो भी देखिए कि बच्चों ने कितने फ़ोन खुद से रिपेयर किए हैं यहाँ पर। अच्छा, मेरे साथ मोहम्मद सर है, मोहम्मद सर थोड़ा अपना रिव्यू बताइए। सर बोलना चाहूँगा कि बहुत एक्टिवेट टीम है और हमने इनके ऊपर बहुत मेहनत की है, और मेहनत का परिणाम अभी आप कुछ ही क्षण में आप क्लास में जाके देख सकते हैं किस लेवल से काम कर रहे हैं। और एक एक स्टूडेंट का, अगर 27 तारीख से अगर नंबर 1 का स्टूडेंट है, तो आप उसको 24 तारीख तक आप पूरा का पूरा लाइव देख सकते हो, पूरे क्षण में कब से कब तक वो हॉस्टल में है और कब से कब तक वो इंस्टीट्यूट में है और कब हॉस्टल गया, ये पूरा फैमिली वाले देख सकते हैं। और फैमिली वाले देखते भी हैं, और फैमिली वाले जब फ़ोन लगाते हैं जब इंस्टीट्यूट से जाते हैं वो। ठीक है, तो चलिए ले चलते हैं क्लास के अंदर। आइए, तो ये इंडिया में आपने मुझे नहीं लगता होगा इतनी बड़ी लैब देखी होगी कभी किसी इंस्टीट्यूट में, देखी कभी? सो यहाँ पर लगभग हमारे पास 60 माइक्रोस्कोप है, यहाँ दिखाना चाहूंगा। ये हमारी 28 मई क्लास, कैसे हैं स्टूडेंट? मुझे बताइए आज अब तक का सफर कैसा रहा आप लोगों का? किस किस का पैसा वसूल हुआ है मुझे बताइए। यहाँ पर देखा, यहाँ पर जरा सब लोग एक बार यहाँ देख लो, 2 मिनट छोड़ के, 1 मिनट के लिए आप लोग खड़े हो जाइए प्लीज, और क्या वीडियो में आ जाएगा। अब मुझे बताइए, देखो आप लोग सबको देख सकते हैं, यहाँ पे आ जाओ। हमारी आज डुअल डेकर की क्लास है, अब तक सिर्फ डुअल डेकर की बात नहीं, अब तो हम करने वाले हैं शुरू से, डे 1 से लेके अब तक
एक बार भी आपको कहीं ऐसा फील हुआ कि आज मैं बोर हो गया है, आज मेरे कोई काम का पढ़ाया नहीं है ऐसा? अपग्रेड मिला है कि नहीं मिला है? यहाँ पर जो लेटेस्ट हैंडसेट चले हैं उनका नॉलेज मिला है ना यहाँ पर? तो एसर टेलीकॉम में ये सारे स्टूडेंट अलग अलग पूरे इंडिया से आए हुए हैं, सो हम क्लास यहाँ पे चालू करेंगे। मैं चाहूँ तो हर एक का फीडबैक ले सकता हूँ, बट मैं वीडियो के बीच बीच में कराते कराते फीडबैक लूँगा। और इसके साथ हमारे पास में ड्यूअल डेकर के बोर्ड है, सो सब स्टूडेंट मिलन सर से एक एक बोर्ड लेते जाइए, आइए बैठ जाओ बाकी सब लोग, और एक एक बोर्ड सर से लेते जाइए, ले लो एक एक बोर्ड, आते जाओ और एक एक बोर्ड लेते जाओ। बंदी था क्या पहले? नहीं, तो यहाँ पर मैं एक बार अनिल, एक बार सारे स्टूडेंट से एक बार मिलाता हुए। हाँ भाई, क्या नाम है? मेरा नाम राहुल है, मैं राजस्थान के जोधपुर से हूँ। मुझे राहुल बहुत सारी चीज़ बहुत सारी बातें बाद में भी करेंगे, अभी मुझे बताओ अब तक पे किसी स्टूडेंट को यहाँ आना चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं सर, जरूर आना चाहिए, जो पीछे रह गया वो अपनी ज़िंदगी में मोबाइल रिपेयरिंग में पीछे ही रह जाएगा। एसर टेलीकॉम के बारे में यूट्यूब में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं बुरी हैं सब कुछ है, मुझे बताओ तुम्हें यहाँ पे क्या लगा? सर जब हमने भी बुरा सुना था, ऐसा नहीं हमने नहीं सुना, जब हमने यहाँ पे आके देखा तो हम जो भी बोलते थे उनके बारे में हम यही सोचेंगे अब वो बुरे हैं। मतलब गलत सोच वो हमें दे रहे हैं। हाँ, तो पर उसके बाद भी आप यहाँ आ गए, तो ये क्या सोच के कि यहाँ का रिव्यू और ये सब कुछ लाइव क्लासेस देख, लाइव क्लासेस देख के आए? कभी भी ट्रांसपेरेंसी हाइड की क्या हमने? नहीं, कभी ऐसा आज तक ही नहीं हुआ हमारे साथ, नहीं किसी के साथ नहीं, नहीं हर क्लास आते हैं और हर डे हर रोज लाइव आते। ऐसा कोई आया कि हिंदुस्तान आज तक ऐसा कोई इंस्टीट्यूट हमने भी नहीं देखा कि जो हर रोज लाइव आता हो, है ना? ठीक है चलो। अच्छा, ये जो आप राहुल जी ये जो बोर्ड आपको मिला है दिखाइए कैमरे में, ये बोर्ड है, इस बोर्ड का हमने कोई पैसा लिया है? नहीं सर, कोई पैसा नहीं। ये देखो ये M30 है, ये देख सकते, ठीक है करो। यहाँ मेरे साथ एक और है साबिर, साबिर कहाँ से हो आप? मैं हरिद्वार उत्तराखंड से हूँ सर। मुझे बस थोड़ी सी बात में बताओ कि यहाँ वाकई में पैसा वसूल हुआ? हाँ, कि नहीं सर, हुआ? पैसा वसूल हो गया सर। पक्का? पक्का सर। यहाँ से आप लाइव मोबाइल भी बनाए आपने? यस सर, बनाए। सब काम किए, जो आपको सीखना था जो सोच कर आए थे वो क्या हुआ बताइए? बिल्कुल जैसा सोच के आए थे वो। एसर टेलीकॉम इंडिया में लोगों को आना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल आना चाहिए, अगर कुछ सीखना है कुछ बनना है तो जरूर आना चाहिए। यहाँ प्रैक्टिकल के लिए बहुत टाइम मिलता है कि नहीं? टाइम डेली करवाए कि नहीं करवाए? डेली सर। कभी ऐसा एक दिन नहीं हुआ कि थ्योरी थ्योरी देके भागा? नहीं, ऐसा कोई दिन नहीं गया, कोई दिन नहीं गया ना। और सर एक चीज हो रही है, जब आदमी सक्सेस हो जाता है ना तो उसकी टांग खींचने वाले भी बहुत हो जाते हैं। ये बात तो मैंने ये कल ही मैं कर रहा था आप लोगों से। तो कोई नहीं है, अब बड़े लोगों के नाम लेके तो छोटे आगे बढ़ते हैं, ये भी है तो ना बात है। ठीक है, तो मेरे साथ में एक और यहाँ पे स्टूडेंट है, क्या नाम है तुम्हारा? नाम शुभम भवरे है, मैं महाराष्ट्र से हूं। शुभम मुझे एक बार बताओ महाराष्ट्र से कि वाकई में तुम सेटिस्फाई हो कि नहीं हो? बहुत सेटिस्फाई हूं यहाँ से, हर टीचर से सेटिस्फाई हूं। पढ़ाने का तरीका, डिसिप्लिन, सब डिसिप्लिन एकदम कड़क है, कड़क है, होना चाहिए, होना ही चाहिए। पक्का? पक्का। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है यहाँ पर, कहाँ से हो आप? मैं असम हाफलोंग से हूँ। मुझे बताओ कि कैसा लगा आपको ये पहली बार फर्स्ट टाइम इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया ना आपने? पहला एक्सपीरियंस है, तो एसर टेलीकॉम में क्यों? मैंने वीडियो देखा था, बहुत सारा वीडियो देखा था। हाँ। बहुत सारा नेगेटिविटी कमेंट्स भी था। हाँ। तो मैं सबको कंपेयर करके उसके बाद भी आप यहाँ आए? मैं कंपेयर करके देखते जा रहा था कि आदमी झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। हाँ। आदमी का चेहरा से पता चलता, एक्सप्रेशन से पता चलता है कि कौन झूठ बोलता क्या जा रहा है। मैं उसको फॉलो करके बाद में मेरे को लगा नहीं ये सही है, इसके बाद में अफवाह फैला जाती है, मैंने चुना है। मुझे बताओ अगर हम वाकई में झूठे होते हैं बेकार होते तो क्या कभी डेली लाइव आ सकते थे क्या? एक झूठा आदमी अपने आप को कैमरे में दिखाता है क्या? नहीं दिखाया, कभी नहीं, मुंह छुपाता है ना हमेशा। तो ठीक है चलो, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम शाहिन असलम है, मैं असम से हूँ। असम से अगर कोई वाकई में तुम्हारा कोई दोस्त या कोई आना चाहे या किसी को रेफर करना चाहते हो तो तुम पक्का करोगे यहाँ से आने के बाद? हाँ सर जरूर। क्यों करोगे उसको रेफर, क्या ऐसा खास देखा तुमने यहाँ पर? यहाँ का एशिया टेलीकॉम का मतलब जो सिखाने का तरीका है और जो नॉलेज है वो मतलब आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ और है, तो यहाँ पर एक मेरे साथ एक और स्टूडेंट है मेरठ। सर मेरा नाम शहजाद है, मैं मेरठ से हूँ। शहजाद मेरठ से, ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने का, इससे पहले भी कर चुके हो? सर नहीं है तो पहले ही, मगर 3 साल से चेक कर रहा हूँ कहाँ पे जाना चाहिए, कहाँ पे जाना चाहिए, कहाँ पे जाना चाहिए, ऐसे करके। तो इतना 3 साल में ले दे के हमको खोजा आपने, तो कुछ तो स्पेशलिटी देखी होगी यहाँ पर, क्या देखा चीज़ पे? सर
सब कुछ स्पेशल ही है, एकदम एक नंबर की नॉलेज मिलती है। मैं बहुत सारी वीडियो देखा पहले, फिर रिव्यू देखा, उसके बाद में तब आया। तो यहाँ पर जो टीम है अभी, आपको क्या लगता है जाने के बाद यहाँ पर बैकअप सपोर्ट ये सब कुछ मिलने वाला है? मिलेगा ना, फुल बैकअप मिलेगा सर, फुल बैकअप मिलेगा, बिल्कुल सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे सारे स्टूडेंट है मुंबई कल्याण, अरफत है मुंबई कल्याण से हूँ। मुंबई में छोड़ के, दिल्ली छोड़ के छोटे से शहर में क्यों? सर यहाँ पे जो एक्चुअल जो रिपेयरिंग है यही मिल रही है। अच्छा, इनका आपने देखा होगा कल ही इनका वीडियो डाला हुआ है आपका, है ना, आपके दोस्त लोग के भी कमेंट आ रहे हैं उस पर। सो ये जो आपने डाला है, ये क्या हमने बना के आपको दे दिया था क्या? नहीं सर, ये पूरा मैंने खुद किया है, लाइव किया है। तो ये जो कॉन्फिडेंस आ रहा है ये कैसे आ रहा है? कॉन्फिडेंस 100% अभी हो गया है। पहले ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी चिप निकालेंगे लगाएंगे शायद बंद हो जाएगा फोन, ऐसा कुछ ही नहीं है। सब स्ट्रीक के नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि लगाना कैसा है, प्रोग्राम कैसा करना है, उस पर डिपेंड। तो जब आप इंस्टीट्यूट आए थे तो डर रहे होगे कि नॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यही डर होता है ना स्टूडेंट का, एक बेसिक डर कि मुझे नॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब मुझे बताओ, क्योंकि सेकंड लास्ट डे है, कल आपका आखिरी दिन है, मुझे बताओ अभी कब तक कैसा नॉलेज है बताओ? सर बहुत बेस्ट है, अभी लग रहा है कि हम जाके बैठेंगे तो हमारा काम होना ही है। बिल्कुल, अब अगर रिटर्न भी जाएगा तो हम उसको पहचान सकते क्यों रिटर्न जाए, बस हाँ रीजन पता होना चाहिए, रीजन पता हो। बहुत सारे फैक्ट होते हैं यहाँ पर, है ना। ठीक है, सो यहाँ पर मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा नाम फैजल है, मैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र कैसा रहा टोटल बताओ? बहुत बढ़िया रहा सर, बहुत बढ़िया रहा, बहुत। मतलब यहाँ पर टीचरों को समझाना सब कुछ, किसी को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? सर बिल्कुल आना चाहिए, अगर एडवांस लेवल का सीखना है तो बिल्कुल आना चाहिए। ठीक है, तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है यहाँ पर, क्या नाम है? अमित, एमपी बैतूल से। एमपी बैतूल से आए हो, ऐसा तो नहीं है कि एमपी में ही कोई ढूंढना था या इंडिया में कोई बेस्ट ढूंढना था? क्या किया आपने? बेस्ट ढूंढना था ना सर, बेस्ट है कि नहीं सर? पक्का? यस सर। किसी को अगर रेफरेंस देना चाहो तो दोगे? आ सकते हैं सर। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, क्या नाम है तुम्हारा? सदीप राठौर नाम है। हरियाणा से? नहीं, एमपी से। एमपी से हो, तो एमपी से ही एमपी में आ गए, या फिर ऐसा तो नहीं है कि पास के पास में जाना था, या क्या धुरा आपने, क्या पता किया इससे टेलीकॉम सर? ऐसा टेलीकॉम बेस्ट है सर। ऐसा क्यों लगा तुमको? सर यहीं पे सीख सकते हैं। अब देखो तुम ड्यूअल डेकर पहली बार कर रहे हो, कि कर रहे हो कि नहीं? इससे पहले किए तुमने? इससे पहले कभी आईसी पे काम किया था क्या? नहीं नहीं। और तुमने लाइव सीपीयू भी निकाला है, पावर भी निकाली है, सब कुछ यहीं पे तो किया है, इसी टेबल पे बैठ के? तो कॉन्फिडेंस यहीं से बना कि नहीं बना? सर बना। ठीक है, सो मेरे साथ एक स्टूडेंट है, क्या नाम है तुम्हारा? लखन बुंदेला, मैं इंदौर से हूं। इंदौर से हो, मुझे बताओ इंदौर के लोगों से क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल यहाँ पे आ सकते हैं, हम 4 साल से फॉलो करके आ रहे हैं यहाँ, डेली जो क्लास होती है उसका लाइव देखते हैं हम, हमको अंदर से एक्सपीरियंस होता है कि नहीं वहीं सीखने को मिलेगा। 4 साल से फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद अब जाके हमको यहाँ पे आने का मौका मिला। आपको आपका नंबर भी तो डाला था हमने, नंबर डाला था, और हमें कॉल भी आया सर। कॉल भी आते हैं ना? कॉल भी आया सर, बिल्कुल हमें कॉल आया है। ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू सर। ये डबल डेकर है, अभी डबल डेकर रिवॉल्व करना, और ये भी लाइव है? लाइव है। ठीक है, मेरे साथ में एक और है वसीम, वसीम है यहाँ गाजियाबाद से। वसीम का भी आपने देखा होगा नंबर डाला है, काफी लोग इनको भी कॉल कर रहे हैं। वसीम एक फ्रेशर ही मान लेते हैं, है ना, मान ले बिल्कुल, क्योंकि जब हमें लगता है हमें सब कुछ आता है, पर जब हम कहीं जाते हैं और वाकई में कहीं नॉलेज होता है तो हमें पता चलता है, ये तो हमें पता ही नहीं था। यस सर, ऐसे हुआ कि नहीं हुआ? बहुत बार हुआ ऐसा। तो मुझे बताओ कि क्या ओवरऑल एक्सपीरियंस है अभी ये सब? एक छोटी सी आईसी से लेकर, जियो की आईसी से लेकर आज ड्यूअल डेकर का सच्चा सफर है। सर मैं पहले बताना चाहूंगा आपको कि यहाँ पे जो नॉलेज मिलती है ना वो रियल में नॉलेज होती है, ऐसा नहीं कि आपको ऐसे पढ़ा दिया दे दिया छोड़ दिया। जैसे हमारे एएमसी वाले सर हैं, मिलन सर हैं, रोजाना लिखवाते हैं और फिर सर अगले दिन चेक करते हैं, ये वो इंस्टीट्यूट में नहीं होता है। नहीं होता, नहीं होता ऐसा बिल्कुल। ठीक है, सो मेरे साथ में यहाँ पर दो स्टूडेंट और हैं, क्या नाम है तुम्हारा? रजत सुब्रदत्त। तो कैसे, कहाँ से? वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से, क्या बोलना चाहोगे वेस्ट बंगाल? एशिया टेलीकॉम इज द बेस्ट। पक्का? पक्का। ठीक है, तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, क्या नाम है? मोहम्मद गुलाम सरवर। कहाँ से? वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से। मोहम्मद मुझे बताओ कि वेस्ट बंगाल से भी कोई आए तो क्या बोलना चाहोगे, या किसी को रेफर करोगे तो क्यों करोगे? सर क्योंकि यहाँ पर काम सीखने मिलता है, और काम डेड लेवल पे सीखने मिलता है, एडवांस लेवल पे सीखने मिलता है, और यहाँ स्किल स्किल्ड है, स्किल्ड पर्सन है, यहाँ पढ़ा रहे हैं सब स्किल्ड पर्सन, सभी स्किल्ड पर्सन। ऐसे तो नहीं है कि बस गूगल से देखकर पढ़कर आ जाते हैं आपको पढ़ा देते? सभी आउटस्टैंडिंग है अपने आप। ठीक है, सो यहाँ पे मेरे सारे को स्टूडेंट है, क्या नाम है? मेरा नाम दिलदर, मैं असम से आया हूँ। असम से, तो मुझे बताओ कि क्या रहा आपका अब तक का एक्सपीरियंस और कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, एशिया टेलीकॉम तो नंबर वन ड्यूअल डेकर फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट। ठीक है, ऑल द बेस्ट। मेरे सारे को स्टूडेंट है, क्या नाम है? मेरा नाम मुकेश शर्मा है, मैं शिलोंग मेघालय से। बहुत दूर से आए हो? जी सर। तो मुझे बताओ इतनी दूर से हमारे को क्यों चुना? मैं आपकी वीडियो देखता था सर पहले, तो उसी से मोटिवेट होके आया, और यहाँ पे आके
पूरा प्रॉपर नॉलेज मिला है। धोखा तो नहीं हुआ है? नहीं सर, पूरा प्रॉपर नॉलेज। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे साथ में एक और स्टूडेंट है, क्या नाम है तुम्हारा? जी सर, मेरा नाम मोहम्मद रजा, मैं बिहार शरीफ। मोहम्मद रजा, इससे पहले डुअल डेकर किया है कभी? बताओ। नहीं किया। पहली बार कर रहे हैं? कर रहे हैं। और अभी अभी आपने लाइव भी देखा इससे पहले? जी सर। तो अभी सब क्लियर हो चुका है कि क्या रीडिंग होती है, कैसे निकालना है? अभी आप करने वाले हैं यहाँ पर? करने। तो ऐसे ही आपने डेली प्रैक्टिकल किए यहाँ पर? जी सर, जो भी सेक्शन पढ़ाया होता है उसका डेली प्रैक्टिकल होता है। तो यहाँ बाकी में प्रैक्टिकल करना है तो इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकता है कोई? सर, है ना, अगर बेस्ट टेक्नीशियन बनना है तो ऐसे डेली का। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अफजल रजा है, मैं बिहार से हूँ। मुझे बताओ कि बिहार के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो? सर, अगर जिसको अच्छा अगर टेक्नीशियन बनना है तो एशिया टेलीकॉम ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, ये नागपुर से है, योगी। मुझे बताओ योगी, एज ए बीन एक्सपीरियंस, एक आप ऑलरेडी काम भी कर रहे हो पर अपडेट के लिए आए हो, ईमान के बांध लो, है ना? बिल्कुल सर। सो अब मुझे बताओ अपडेट मिला है कि नहीं मिला है? सर बहुत जबरदस्त है ना, बहुत जबरदस्त अपडेट मिला सर। मेरा हैंड काफी स्लो जा रहा था, अभी काफी इंप्रूवमेंट लग रहा है। अच्छा योगी, ये लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन रहा कि नहीं रहा ये? सर ये मेरे बिजनेस के लिए बहुत अच्छा डिसीजन रहा, मैं इसमें काफी इंप्रूव हो चुका उसकी वजह से। ये बिल्कुल मतलब तुमने बहुत पहले भी कर सकते थे आई थिंक ये? सर मुझे मेरा प्रैक्टिकल बहुत अच्छा था लेकिन मुझे करना क्या है वो नहीं समझ में आता। बिल्कुल, मतलब हमारा जो एक तरह से है कि देखा जाए तो थ्योरी नॉलेज हमारे को कम था। बहुत अच्छा मिला मुझे थ्योरी नॉलेज और बाकी तो सब जो मुझे मिला सब वो बोनस मिला है। बोनस मिला है, ठीक है। किसी को रेफर करोगे आगे जाकर? बिल्कुल सर, करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आदत हम ही सिखा देंगे। तो यहाँ पर मेरे सारे स्टूडेंट, क्या नाम है? सर अरुण सोनी नाम है, अयोध्या यूपी से। तो यूपी से किसी को रेफर करने वाले करोगे? जाने के बाद तो बहुत से लोगों को बताना है सर। पक्का? यस सर। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच। मेरे सारे स्टूडेंट है सर, यहाँ पर मैं किशोर वर्मा, इंदौर एमपी से। इंदौर से, तो मुझे बताओ कि इंदौर जाके अभी जाके क्या करने वाले हो यहाँ से? सर बेस्ट इंस्टीट्यूट है, बिल्कुल एंडलेस नॉलेज, एंडलेस नॉलेज है। देवास से जबलपुर, फर्स्ट टाइम। यस देवास से जबलपुर। यस सर। सब दुकानदारी बंद करके क्या मिला यहाँ पर? सर नॉलेज मिला, एंडलेस नॉलेज। जरूरी था दुकानदारी बंद करना क्योंकि फोन डेड किए जा रहे हैं, कुछ पता नहीं है, कुछ पता ही नहीं था तो क्या रिपेयरिंग करेंगे? तब तक अपने फोन दूसरों को दोगे? यस सर, है ना, वही तो। ठीक है, सो मेरे साथ एक स्टूडेंट है, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद लश्कर, मैं असम से। असम से क्या कहना चाहोगे असम के लोगों को? अगर कोई स्मार्ट टेक्नीशियन बनना चाहता है तो एशिया टेलीकॉम आना पड़ेगा। स्मार्ट टेक्नीशियन क्या होता है, क्या डेफिनेशन है स्मार्ट टेक्नीशियन? मतलब मोबाइल का पूरा सर्किट का पूरा नॉलेज हमको यहाँ मिलता है। वेरी गुड, ये स्मार्ट टेक्नीशियन है। मतलब ए टू जेड बोलते हैं ना कि अगर एंडलेस, जैसे सपोज अगर मैं देखूं इधर देखिए, जैसे ये आईसी है, अब ये आईसी यहाँ पे क्या काम करती है, तो हम इसका डायग्राम खोले तो हमें इसकी कोडिंग पढ़ना आ जाए, ये होता है ना स्मार्ट टेक्नीशियन। हाँ वेरी गुड। मेरे साथ एक स्टूडेंट है, क्या नाम है? सत्या। क्या बोलना चाहोगे? जबलपुर। दिल्ली से है? अच्छा दिल्ली से, तो कहाँ दिल्ली में? दिल्ली रोहिणी। रोहिणी, इतना दिल्ली मेन प्रॉपर से क्यों जबलपुर आ गया तुम? सर आपकी वीडियो देख के आया था। हमारे वीडियो देख कर आया यहाँ पर, तो क्या बोलना चाहोगे दिल्ली के लोगों को बताओ? सर आ सकते हैं। पक्का? बिल्कुल, यहाँ पे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये देखिए इनके हाथ में, पहली बार डुअल डेकर कर रहे हो ना यहाँ पर? ठीक है। मेरे साथ एक स्टूडेंट है, क्या नाम है? सर मेरा नाम अमीरुल्लाह, मैं मुंबई से हूँ। मुंबई से, दिल्ली मुंबई के बड़े बड़े सिटी के लोग हैं भाई। तो अबीबुल्ला मुझे बताओ कि कैसा रहा एक्सपीरियंस? सर बहुत अच्छा रहा, और आपकी वीडियो भी सर बहुत अच्छी, और आपका नॉलेज भी बहुत ही अच्छा है सर। अच्छा चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, क्या नाम है? गुलाम सर। सर गुलाम से, बताओ कैसा रहा? बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया रहा। यहाँ पर रहना खाना कैसा रहता है यहाँ पर? सब बहुत अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं आती यहाँ पर? ठीक है। अब सर यहाँ का नॉलेज जो है ना सर लोग का, वो जबरदस्त है। तो आपको भूलना था कि सर आपको ना रहने खाने के बारे में ना पूछ के ये पूछना था। जी सर ये पूछना पड़ता है क्योंकि लोग है ना सबसे पहले पूछते सर खाने में क्या मिलेगा। कल मेरे को एक कमेंट आया कि सर नॉनवेज में क्या क्या मिलेगा। आप सोच नहीं सकते हैं कि उसने जिंदगी में इतना नहीं सुना होगा जितना कल सुन लिया मेरे से। बट क्या नाम है आप? मोहम्मद एहतेशाम। नहीं हाँ वाकई में यही आया था कि नॉनवेज में क्या क्या मिलेगा। मैं अभी गजब आदमी है। क्या कहाँ से हो आप? यूपी। यूपी से हो? Yes, कैसा लग रहा है अभी? बहुत बढ़िया, मतलब अंदर फील आ रहा है। जब नॉलेज आता है, जब हम डिग्री हासिल करते थे ना, सो हमें जब डिग्री आ जाता हमें लगता था देखो हम इतने बड़े ग्रेजुएट बन गए, पोस्ट ग्रेजुएट बन गए, अभी हम सबसे बड़े आदमी बन सकते हैं। बट हमको नॉलेज ही नहीं था, तो कोई कंपनी जॉब ही नहीं देती थी। यस सर। तो किस पैसा कमाना आज की डेट में डिग्री से है या नॉलेज से? बताओ। नॉलेज से, स्किल्ड एंड स्किल्ड। यस सर। अब जो आप काम कर रहे हैं ये जिनका मोबाइल होगा डॉक्टर का वो खुद नहीं कर पा रहा होगा। यस सर, है ना। यस ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक स्टूडेंट है, क्या बोलोगे? सर बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे पूरा नॉलेज डीप लेवल में मिला है मुझे। मैं 3 साल से दुकान था लेकिन काम नहीं कर पाता था। तो दुकान बंद करके आया तो खाता हुआ कि नहीं हुआ? सही में लोग बंद करके आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, जिसको काम करना है बिल्कुल आना चाहिए। सही बात है।
कोई कोई ऐसा काम करने से क्या मतलब है जो एक अनसेटिस्फाई रहे, रात में जाए तो दुखी रहे, है ना? हाँ सर, वैसा ही होता था, वैसा ही होता था। अभी एक बड़ी टीम के साथ में है, वो कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया सर। पक्का? यस सर। ठीक है, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, क्या बोलना चाहोगे? बहुत अच्छा सर, बहुत इधर के एशिया टेलीकॉम बहुत अच्छा है सर। ठीक है, थैंक यू। मेरे साथ यहाँ पे दो स्टूडेंट है, आप दोनों एक साथ देख लो, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम अनमोल मैडम है, छत्तीसगढ़ से हूँ मैं। मेरा नाम रहमतुल्ला, मैं गोवा से। तो आपने देखा होगा इन लोगों को डेली वीडियो में देखते होगे यार, और कसम से आप लोग सोच रहे होगे कि एक ही बच्चों को दिखाते रहते हैं, क्यों? क्योंकि भैया हम हर दिन का सफर दिखाते हैं, है ना सर? मुझे बताओ कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा सर, बहुत बढ़िया। तो आपके हाथ में A50 का बोर्ड है, यहाँ पर डुअल डेकर बोर्ड है, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं? सर मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। सर हमारा जो निर्णय है कोई भी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करने का, तो बहुत सही रहा, 110% हमारा जो निर्णय लिए हम वो गलत नहीं हुआ है, और आज हमें कॉन्फिडेंस है कि आज हम कोई भी पीसीपी को बिंदास तरीके से पकड़ सके, उसको डायग्नोस कर सके। अनमोल, अगर तुम्हारा जो वीडियो बच्चे देख रहे हैं, इधर थोड़ा मुंह कीजिए, फेस कीजिए, बच्चे देख रहे हैं, तो उन्होंने किस बात पे तुम्हारी भरोसा कर लेना चाहिए? सर हम बात के भरोसे यानी अभी हमारे अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि हम काम कर सकते हैं। अनमोल मैं एक चीज पूछना चाह रहा था यहाँ पर कि बेसिकली एक कॉन्फिडेंस आता है ना काम करने के बाद में, आता है तो हमें अच्छा फील होता है, तो ये कॉन्फिडेंस क्या सोच के आए थे कि वो मैं क्या सीख लूंगा, और क्या एक्चुअल में आप सोच रहे हो, मतलब आपकी क्या फीलिंग चेंज हुई है पहले और आपके अनुभव में कितना अंतर है, मैं ही जानना चाहता हूँ। पहले सर तो हमारे पास कोई भी सेट वगैरह आता था तो नॉर्मली तो कर लेते थे, लेकिन जो बड़ा सेट है वो हमारे दिमाग से बाहर ही होता था, हमारा नजरिया ही चेंज हो गया पीसीबी देखने का। पहले तो पीसीबी देख के हमको कुछ समझ ही नहीं आता कौन सा कंपोनेंट से कौन सी आईसी क्या वर्क करती क्या नहीं, लेकिन यहाँ आने के बाद हमको हर एक चीज का नॉलेज हो गया कि कौन सी आईसी क्या वर्क करेगी, उस हिसाब से हम डायग्नोस करके उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। आप दोनों अगर यहाँ से आने का स्टूडेंट को रेफर करने वाले हैं? सर बिल्कुल 100% रेफर करेंगे। बिल्कुल सर, किसी को भी सही राय देंगे और हम सजेस्ट करेंगे कि सही जगह जाए, और सही जगह एशिया टेलीकॉम। हमारे नॉलेज से जो भी देखेंगे हमको ये जरूर पूछेंगे कहाँ से सीख के आओ। बिल्कुल बिल्कुल, तो हमें छुपाना क्यों उसको? सही बात है, हमें छुपाना क्यों, हमें उसको रेफर करना है ना, तुम भी जाओ के सीख के आओ, तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस है सीख के आओ। सही बात है, सही बात है। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, और ये वीडियो को देखिए इन लोगों को।
बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा, पहले बहुत डाउट था कि कैसे करेंगे, एक सीपीयू के ऊपर एक रैम, तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, सब स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आ गया। इजी हो गया कि नहीं सर? बहुत इजी हो गया, पहले दिन से लेके अभी तक का सारा क्लास अभी इजी लग रहा है सर। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि देखिए पहले दिन से आप आईसी पे काम कर रहे हैं, रिवॉल्विंग पे काम कर रहे हैं, हर एक चीज़ आपको सेक्शन एक एक सेक्शन बताया गया है। अब इसके बगल में कौन कौन से कंपोनेंट लगे हैं, कौन कौन सी आईसी लगी है, देखते पहचानना आ गया अभी आपको। ये सीपीयू के पास जो सबके सब पूरे के पूरे लाइन से कंपोनेंट लगे हुए हैं। सर ने जिस तरह से निकालने का तरीका बताया उसके हिसाब से एक कंपोनेंट भी इधर से उधर हिला नहीं है, यहाँ तक कि उसको फर्क भी नहीं पड़ा कि सामने से उसका सीपीयू निकल गया है। ऐसा ठीक है, ओवरऑल कैसा रहा सर? बहुत बेस्ट है, बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे जो एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करना चाहते हैं? सर बहुत जरूर करना चाहिए सर, बस वीडियो देखिए कोई मतलब नहीं है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आके सीख ले तो चार पैसे भी कमा लेंगे अच्छा खासा, और नाम भी कमा लेंगे। पैसा तो सर वो वसूल हो ही गया 10 दिन में ही। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद रजा सर। मोहम्मद रजा कहाँ से हैं आप? बिहार शरीफ से सर। तो आज आपकी किस चीज़ की क्लास थी? डबल डेकर की सर। पहले दिन से लेके अभी तक की मैं बात करूँ तो कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? बहुत अच्छा सर। आज का जो कंटेंट था डुअल डेकर का था? जी सर। और डुअल डेकर आपको बोर्ड मिला है? यस सर। बोर्ड का आपने कोई पैसा लिया क्या आपसे? नहीं सर। तो ये रिवॉल्विंग कौन से स्टेंसिल से किया आपने? यूनिवर्सल से। यूनिवर्सल से किया है। पॉसिबल है क्या डुअल डेकर का सीपीयू और रैम रिवॉल्व कर पाना? यस सर। कहाँ पॉसिबल है? एशिया टेलीकॉम। इसके पहले आप कर पाते थे क्या? नहीं सर, इससे पहले नहीं कर। तो चलिए ठीक है। और अभी आप डुअल डेकर, आपसे कोई प्रिंट गया है क्या इसमें? नहीं सर। जो भी जो प्रिंट गए हुए दिख रहे हैं वो क्या है? एनसी है सर। भाई जब अगर कोई प्रिंट निकल जाता है तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है? माइक्रो जम्परिंग सर। माइक्रो जम्परिंग? यस। तो अभी आप इसका सीपीयू लगाने वाले हैं? हाँ सर, लगाने लाइव। यस सर।
क्या नाम है आपका? वसीम नाम है मेरा। वसीम जी, आप गाजियाबाद से हैं? बिल्कुल। तो आज आपकी डुअल डेकर का कंटेंट था, कॉन्सेप्ट था आपका? यस सर। तो आज डुअल डेकर आपने किया? यस सर। तो आपने सीपीयू और रैम निकाला आपने खुद से? एक बात बताइए, ये जो बोर्ड आपको मिला, ये अपने पार्ट से लाए हैं या फिर आप इंस्टीट्यूट से आपको फ्री मिला है? ये इंस्टीट्यूट से फ्री मिला है। ऐसा इसका कोई चार्ज लिया क्या हमने? नहीं, कोई चार्ज नहीं। चलिए ठीक है। तो अभी आप क्या करने वाले हैं? अभी इसे हम लगाएंगे, सीपीयू सेट करने वाले हैं। यस सर। लग गया। तो अभी आपने क्या किया इसमें? सीपी लगाया। सीपी लगा दिया आपने। और एक बात बताइए, कोई प्रिंट अगर चला जाए बाई जगह तो उसका क्या आप माइक्रो जंपरिंग कर सकते हैं? हाँ, माइक्रो जंपरिंग आपको कर सकते हैं। पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक बताया गया आपको? हाँ जी सर, बताया। और कुछ लाइंस आते हुए जो दिखती नहीं है वो क्या आप देख के बोर्ड में बता सकते हैं कि ये एनसी है या फिर लाइन है? हम बता सकते हैं, वो एनसी होती है। कुछ लाइनें जो नहीं दिखाई देती वो एनसी होती है, और जो लाइनें दिखाई देती है उस पर माइक्रो जंपिंग हो जाती है। चलिए ठीक है। और जो मान लीजिए उसके अंदर बॉल्स दिखते हैं छोटे से, हाँ, उखड़ने के बाद से, तो उसको रिपेयर कर सकते हैं? हाँ, उसे रिपेयर कर सकते हैं। चलिए ठीक है। अभी आप इसमें रैम लगाने वाले हैं? यस सर, रैम लगाने वाले हैं। हाँ जी, मिला। तो अपना नाम और कहाँ से है? मेरा नाम शाहिनो इस्लाम है और मैं आसाम से हूँ। तो आज हमारी किस सेक्शन की क्लास थी? डुअल डेकर की। डुअल डेकर, हाँ। तो जो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये आपने किया हुआ है? हाँ, मैंने किया हुआ है। तो ये किसी ने हेल्प तो नहीं की? नहीं नहीं, किसी ने हेल्प। तो अगर आप हमें ये बताइए कि जो डुअल डेकर आपने यहाँ पे किया हुआ है, यहाँ पे क्लीनिंग में, रिबॉलिंग में, और जो रिबॉलिंग की है किस साइज किस स्ट्रेंथ से की है? यूनिवर्सल स्ट्रेंथ। कोई प्रॉपर स्ट्रेंथ तो नहीं दिया गया? नहीं नहीं दिया गया। तो ओवरऑल कैसा लग रहा है डुअल डेकर काम कर रहे हैं? हाँ, तो डुअल डेकर पे काम करके कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। यहाँ पे यहाँ की क्लीनिंग, यहाँ पे पढ़ाने का तरीका कैसा रहा आपको? वो मतलब कुछ अलग ही। इससे पहले तो डुअल डेकर पे काम करते थे? नहीं नहीं, क्या आज पहली बार कर रहा हूँ। पहली बार कर रहा है यहाँ पे। हाँ, तो ओवरऑल ये कैसा लगा आपको यहाँ पे डुअल डेकर पे काम करके? बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ का प्रोसेस कैसा लगा? यहाँ का समझाने का तरीका कैसा लगा? यहाँ का समझाने का तरीका अलग ही लेवल है। तो कोई भी डुअल डेकर कर सकता है या नहीं कर सकता? अभी तो कर सकता हूँ, कोई कर सकता है। हाँ, तो ओवरऑल जो आपने सोचा था कि डुअल डेकर पे काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो कैसा लग रहा है अभी? तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा लग रहा है। जैसे मतलब एक लड़का को नया जेब
जब मिल रहा है आपको ऐसा पैसा तो कब का वसूल हो गया? चलिए ठीक है, लगाइए। अपना नाम और कहाँ से हैं? नाम साबिर। साबिर जी, आप हमारे उत्तराखंड से हैं जी। आज हमारी किस चीज़ की क्लास थी? डबल डेकर। डबल डेकर पे प्रॉपर कैसे निकालना है, कैसे लगाना है, कैसे क्लीनिंग करनी है, सारा कुछ पहले सर ने दिखाया? यस सर, पहले सर ने सब कुछ बताया, कितनी हिट पे कितनी एयर पे निकालनी है। जी जी जी, एयर सब बताया गया, आयरन बताया गया सर, बिल्कुल बताया गया सर। तो ओवरऑल आपने काम किया क्या? यस सर, मैंने। तो ये बोर्ड किसने दिया बताइए? ये आपकी तरफ से मिला है, एसर टेलीकॉम की तरफ से मिला है सर। तो ओवरऑल मैं अगर बात करूँ क्लीनिंग में, रिवॉल्विंग में कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। मैं लगभग 6-7 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन डबल डेकर आता था तो मना कर देता था, मना कर देता, लेकिन अब मना नहीं करेंगे। अभी दिल से क्या कॉन्फिडेंस निकल रहा है? अब तो कॉन्फिडेंस पूरा हो गया सर। ये बॉल नहीं बन पाती थी सीटी के पीछे वाली। ओके ओके, जिस तरह सर ने बताया बिल्कुल उस प्रोसेस से किया है, तो मस्त बनी है ये। तो पढ़ाने का तरीका कैसा है, समझाने का तरीका? बिंदास बिंदास, आउटस्टैंडिंग। इससे पहले आप काम नहीं करते थे डबल डेकर? अभी कैसा लग रहा है? अब बहुत अच्छा लग रहा है। अभी आ जाएगा तो आप काम कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल कर पाएंगे। किस एक्सटेंशन से आपने इसको किया? यूनिवर्सल से किया। ऐसा तो नहीं प्रॉपर एक्सटेंशन नहीं, नहीं। तो आप तो वन टाइम में कर लेते हैं, पर यहाँ पे यूनिवर्सल से आपने किया है। तो कैसा लग रहा है अभी? कोई भी ऐसी उसको रिवॉल्व या क्लीनिंग या कर लेंगे उसको? हाँ बिल्कुल कर लेंगे सर। तो कैसा रहा अभी तक का आपका? अब तक का सफर आज सेकेंड डबल डेकर पर पूरा काम था। हाँ डबल डेकर रहा, लेकिन बहुत अच्छा रहा और शुरू से ही बहुत मस्त रही है क्लास सारी। तो पैसा वसूल हुए नहीं हुए? पैसा की तो बात ही नहीं है, नॉलेज के सामने पैसा क्या है। जी आज हमारी किस सेक्शन क्लास थी और आपका नाम और क्या है? सर मेरा नाम फैजान, मैं महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र से। आज हमारी किस सेक्शन क्लास? आज डबल डेकर की क्लास थी सर। डबल डेकर की क्लास थी यहाँ से। तो देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने डबल डेकर रिवॉल्विंग क्लीनिंग सरफेस माउंट, कितने बॉल उखड़ गए, कितने प्रिंट उखड़ गए सर? एक 8-10 उखड़ गए। एनसी थे वो तो एनसी है, चेक कर पाए कि नहीं कर पाए? चेक कर लिया सर। काम वाली बॉल या तो ठीक है? नहीं नहीं सर, एक भी नहीं उखड़ी। काम तो ओवरऑल इससे पहले डबल डेकर पे काम करते थे? नहीं सर, पहली बार क्या? पहली बार क्या है? तो आपने यहाँ पे कोई मिस्टेक की क्या बॉलिंग में, क्लीनिंग में? नहीं सर, कोई निकालने में कोई भी मिस्टेक नहीं सर। पढ़ाने का तरीका कैसा? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मीन्स अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, जैसा कि आपने यहाँ पे डबल डेकर काम किया है, कैसा लग रहा है डबल डेकर? बहुत अच्छा लग रहा सर, पहली बार करा। इससे पहले नहीं करते थे? पहले कहाँ सीखा आपने? यही एशिया टेलीकॉम में। टेलीकॉम में सीखा। तो ये जो बोर्ड है ये किसने दिया आपको? इंस्टीट्यूट ने दिया कि आप खुद लेकर गए थे? नहीं सर, ये इंस्टीट्यूट की तरफ से फ्री मिला। पैसे लिए गए? नहीं सर, फ्री मिला। पैसे तो नहीं लिए गए? एक रुपया भी नहीं लिया। बोल रहे नहीं नहीं सर। तो ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा आज का? बहुत बढ़िया रहा। पैसे वसूल हो रहे हैं आप? पूरे हो गए सर। अभी इस पर मेहनत करना है आपको, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। हाँ सर। तो ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करें। ठीक है। हाँ जी, अपना नाम और कहाँ से हैं? सर मेरा नाम शहजाद है, मैं मेरे से हूँ सर। शहजाद जी बताइए, आज हमारी किस सेक्शन की क्लास थी? सर डबल डेकर। डबल डेकर को निकालना, लगाना, क्लीनिंग करना, यहाँ पे सारा कुछ जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो ये आपने किया कि किसी बाजू वाले ने? सर मैंने कुछ नहीं किया। आपने किया यहाँ पे? जी सर। तो शहजाद जी बताइए, इधर देखिएगा कैसा रहा ओवरऑल, कैसा डबल डेकर का जो हमने बोले थे आपसे, डबल डेकर ब्लैक पेस्टेड सारी आईसीएल पे काम करा देंगे, कैसा लगा आपको? सही सर, बहुत अच्छा, एकदम जबरदस्त वाला। शुरू से लेकर लास्ट तक जो बोला गया था आपको वो पूरा हमने कराया यहाँ पे? बिल्कुल सर कराया। तो ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा और अभी डबल डेकर करके कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है, बट थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है, उसके बाद सब सेट हो जाएगा। बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि आप इससे पहले डबल डेकर पे काम करते थे क्या? सर हिट मारा ऐसे साइड से, बस दे दिया। तो अभी आपने डबल डेकर पे काम किया तो कैसा लग रहा है? सर बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब ये देखिए आपके प्रैक्टिस के ऊपर है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट होते चले जाएंगे। तो ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी आज का और अभी तक का? सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ अपने आप में कि मैंने कर दिया है। अच्छा, तो ओवरऑल इससे पहले काम नहीं करते थे आप? तो बताइए यहाँ पे जो हमने बोले थे आपको डबल डेकर कराएंगे, ब्लैक पेस्टेड कराएंगे, क्या हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल सर हो गया ना, ब्लैक पेस्टेड तो सर मैंने अपना ऑन फोन में से निकाल के लगाया, दोबारा ऑन हो गया, ऑन रहा सर। क्या बात है, तो पैसा वसूल हुए कि नहीं? बिल्कुल सर, पैसों की बात कहाँ से आ जाएगी, पैसे तो वसूल ही वसूल है। लगाए सर? हाँ जी, अपना नाम और कहाँ से? सर मेरा नाम अमित और मैं बैतूल एमपी से। आज हमारी किस सेक्शन की क्लास? सर डबल डेकर। डबल डेकर की क्लास, कैसा पढ़ा समझाया गया, पहले करके दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? सर दिखाएगा पहले। तो अभी आपने काम किया क्या डबल डेकर? यस सर। ये देख सकते हैं डबल डेकर यहाँ पे इन्होंने किया हुआ है। तो बताइए ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर बहुत अच्छा, पहले कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। पढ़ाने का तरीका कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है सर। मतलब अगर मैं बात करूँ जैसे कि आपने यहाँ पे डबल डेकर किया हुआ है, तो ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा और आप क्या सोचे थे कि कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? सर बहुत अच्छा रहा, और जो बॉल साफ करने की ट्रिक बताएगी सर वो सबसे बेस्ट लगी। पूरा निकालने का, क्लीन करने का तरीका, ऐसा तो नहीं लगा टफ लगा? नहीं सर।
तो ओवरऑल अगर मैं आपसे बात करूँ, इससे पहले आप काम करते थे क्या? नहीं सर, आईसी में काम नहीं करते थे। डुअल टिकर पर नहीं करते सर, पहली बार किया आपने एशिया टेलीकॉम। तो ओवरऑल जो हम आपको शुरू में बोले थे ब्लैक क्रिस्टल डुअल टिकर करा देंगे, क्या एक्चुअल में वो हुआ? जी सर हुआ, वो जो बोले तो हुआ। तो ओवरऑल कैसा रहा अभी तक का सफर? सर बहुत अच्छा था। तो अगर कोई देख करके एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करना चाहे वो कर सकता है? जी सर बिल्कुल कर सकता है। तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस और मैं बात करूँ, फिर पैसे वसूल हुए कि नहीं? सर पैसा वसूल पूरा। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए, लगाइए। हाँ जी, अपना नाम और कहाँ से हैं? मेरा नाम राहुल है, मैं राजस्थान के जोधपुर से हूँ। राहुल जी, आज हमारे किस सेक्शन की क्लास थी? आज हमारे ड्यूल टेकर की क्लास थी। ड्यूल टेकर, तो आज आपने काम किया? हाँ सर हमने किया। तो ये बोर्ड जो सर, जो चलिए मैं पहले बोर्ड आपको दिखा दूँ यहाँ पे। ये जो बोर्ड मिला है ये बाजू वाले का ले लिया क्या आपने? नहीं सर, एशिया टेलीकॉम जो ये आपने रिबॉलिंग किया, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रिबॉलिंग किया है, ये आपने किया कि किसी और ने किया? नहीं सर, हमने खुद ने किया है, खुद से किया हुआ है। तो ये बोर्ड कहाँ से मिला? एशिया टेलीकॉम से। पैसे कितने लिए गए? कोई पैसा नहीं लिया। ऐसा झूठ तो नहीं बोला? नहीं सर, झूठ किस लिए बोला? तो बताइए यहाँ पे कैसा लगा डुअल टेकर? बहुत अच्छा लगा सर। इससे पहले करते थे? कभी हाथ ही नहीं लगाया। इससे पढ़ाने का कैसा तरीका रहा है? ड्यूल टेकर का तो अब क्या बताएं, इसके लिए आना ही पड़ेगा। कॉन्फिडेंट बूस्ट हुआ कि नहीं? हाँ 100%। तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस जो आपने ड्यूल टेकर करके कैसा फील कर रहे हैं, और इससे पहले आपने नहीं किया था? बहुत अच्छा लग रहा है, बस इतना ही है कि अब खुद की मेहनत है, खुद की मेहनत करेंगे तो 100% होगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे परफेक्ट होते जाएंगे। तो ओवरऑल पैसा वसूल हुआ कि नहीं? पैसा तो वसूल कब का हो गया? राजस्थान से कोई देख रहा है तो आना चाहिए? नहीं, वेलकम है उसका। हमारे सारे टीचरों का कैसा नॉलेज है? सबसे टफ नॉलेज और प्लस सबसे मतलब पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज है, और डीपली नॉलेज है, मतलब एक एक पॉइंट का। ऐसा तो नहीं लगा आपने गलत पैसे कहीं? नहीं सर, वेस्ट कर दिए? नहीं सर बिल्कुल भी नहीं है। पैसा वसूल हुआ? पैसा वसूल है सर। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलदार। दिलदार जी कहाँ से हैं आप? ये असम से हूँ। असम से हैं। तो एक बात बताइए, ये आपने जो डुअल डेकर रिवॉल्व किया है आज, हालांकि डुअल डेकर का ही कॉन्सेप्ट था, तो इसको कौन से स्टेंसिल से आपने किया है? यूनिवर्सल स्टेंसिल से। यूनिवर्सल स्टेंसिल में पॉसिबल है क्या डुअल डेकर को रिवॉल्व करना और रैम को रिवॉल्व करना? पॉसिबल है। और इसकी जगह पे अगर मैं सेम स्टेंसिल दे दूँ तो फिर उसमें कितना टाइम लगना है आपको? 10 मिनट लगेगा। 10 मिनट के अंदर निकाल के लगा देंगे रिवॉल्व करके? रिवॉल्व करके। तो ओवरऑल क्लीनिंग प्रोसेस जो आपको बताया गया है, टोटल ऑल ऑफ व्यू अगर देखा जाए तो कितना टाइम में आप डुअल डेकर करने वाले हैं आगे? डुअल डेकर निकल के और बैठने के लिए 20 मिनट टाइम तो होगा, और क्लीनिंग प्रोसेस में जो टाइम लग जाए। तो ओवरऑल कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया सर। हार्डवेयर सेक्शन कैसा रहा आपका देव सर के साथ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बोलना चाहेंगे उनके लिए? देव सर के लिए तो बोलने की कुछ भाषा नहीं है, कोई शब्द नहीं है। ओवरऑल आप जो सोच के एशिया टेलीकॉम ज्वाइन किए वो चीज़ आपको मिली कि नहीं मिली? मिलेगा सर। मिला? मिले सर। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मुकेश शर्मा। मुकेश जी आप कहाँ से हैं? मैं शिलोंग मेघालय। शिलोंग मेघालय से हैं, बहुत दूर से हैं। ये जो आपने डुअल डेकर रिवॉल्व किया है, जी सर, कौन से स्टेंसिल से किया है आपने? यूनिवर्सल स्टेंसिल। यूनिवर्सल से किया है, तो यूनिवर्सल से पॉसिबल है? जी सर पॉसिबल। आपके जितने भी स्टूडेंट हैं सबने डुअल डेकर किया है या बस आपने ही किया है? सबने किया है। सबने किया है तो पॉसिबल है, मतलब डुअल डेकर निकाल के, मतलब इतने कम समय में आपको निकाल के क्लीनिंग प्रोसेस करके यूनिवर्सल स्टेंसिल से पॉसिबल आपने रिवॉल्व भी कर दिया? जी पॉसिबल। कोई प्रिंट गया क्या आपसे? नहीं सर। अगर कोई बाय द वे अगर कोई प्रिंट निकल जाए तो फिर? माइक्रो जंपर कर देंगे। माइक्रो जंपरिंग कर देंगे। तो हीट एयर के बारे में सारी चीज़ें बताएंगे, कितने हीट पे आपको ग्लू कटिंग करना है, कितना एयर रखना है, कितने हीट पे आपको सीपीयू को आपको निकालना है बोर्ड से। तो कैसा लगा इससे सारी ट्रिक? बहुत अच्छी लगी। बताया गया आपको सारी चीज़ें? जी सर। कॉपी भी लिखवाया गया है? जी सर। पैसा वसूल जैसा कि बोलते हैं पैसा वसूल है? पैसा वसूल है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या नाम है आपका? जी अरुण सोनी सर। जी अरुण सोनी सर। अरुण जी कहाँ से हैं आप? अयोध्या यूपी से। अयोध्या यूपी से हैं। तो ये जो आपने डुअल डेकर रिवॉल्व किया है, जी सर, कौन से स्टेशन से किया है आपने? यूनिवर्सल सर। यूनिवर्सल से ही कर दिया आपने? ये आपने ही बस किया है या सारे? नहीं सभी ने किया सर। सभी ने किया है ये सब। तो टोटल कितना टाइम लगा आपको एक डुअल डेकर को निकाल के क्लीनिंग करने में? 20 मिनट। तो ओवरऑल कैसा रहा? बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया। जी सर, जो सोच के आप इसी टेलीकॉम ज्वाइन किए वो चीज़ मिली कि? मिला सर। और बात करें देव सर की, जो आपको हार्डवेयर सेक्शन आपका जो देव सर के साथ में हुआ है, ऐसे इंटीग्रेशन का क्लास हुआ है? जी सर। हर एक सीपीयू को डायग्नोस करना बताया गया है आपको, हर एक पावर आईसी कोई सा भी हो, पावर सेकेंड हो, थर्ड हो, या फिर जो जितने भी पावर आपको लगे हुए आते हैं वो सारी चीज़ें बताएंगे आपको? जी सर। एक सीपीयू देख के आप डायग्नोस कर पाएंगे कि इसमें कौन सा पावर लगा हुआ? जी सर, देखकर बता सकते हैं हम लोग, बता सकते हैं सर। कोई भी पावर आईसी का सर्किट सर ने बताया नहीं बताया? किसका? तीन पावर का सर्किट बताया सर। बताया सर ने? जी सर। तो कैसा रहा अनुभव आपको? बहुत अच्छा है सर। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। जो जिसको आप बोलना, अगर कोई आपको देख के आना चाहे तो उसको क्या बोलना चाहिए सर? अगर
मोबाइल के धंधे में रहना, काम करना है तो उसको जरूर आना चाहिए। आना चाहिए सर, नहीं चाहिए बताना चाहिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफजल रजा। कहाँ से हैं आप? बिहार से। बिहार से हैं, तो एक बात बताइए अफजल जी, ये जो आपने सीपीयू निकाल के लगाया, रिवॉल्व किया है, कौन से स्टेंसिल से किया? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल से। इसके अंडे का जो ट्रे होता है उसको रिवॉल्व करने का तरीका आपको पता चला? यस सर, पूरा कर पाएंगे आप? ये आपने खुद किया है या फिर किसी ने आपको हेल्प किया? नहीं सर, मैंने। एक बार आपको प्रोसेस दिखाया गया है? जी सर। तो ओवरऑल कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा सर। बहुत बढ़िया रहा जी सर। अगर आपको देखिए कोई एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करना चाहता हो तो उसको क्या बोलना चाहेंगे? भेजिए का आ सकता है। भेजिए का आ सकता है जी सर। किस पे भरोसा करें? आप पे भरोसा कर सकता है? ये कर सकता है, भेजिए कर सकता है। पैसा वसूल है कि नहीं सर? मुझे क्या, एशिया टेलीकॉम पे पूरा भरोसा है। चलिए ठीक है, क्या बोलना चाहेंगे नए स्टूडेंट जो आ रहे हैं यहाँ पे? भेजिएगा आ सकते हैं, आ जाओ यहाँ पे। और कोई ये नहीं, धोखाधड़ी नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, जो होता है एकदम। ऐसा तो नहीं है जो रिव्यू आप दे रहे हैं फेक हो? नहीं नहीं नहीं, कोई फेक नहीं है सर। चलिए ठीक है, क्या बोलेंगे आज की क्लास के लिए और क्या बोलना चाहेंगे आप देव सर? देव सर तो नंबर वन है सर। नंबर वन है जी सर। उनके जैसा कोई हार्डवेयर दे सकता है क्या? नहीं सर, वो कोई हार्डवेयर दे नहीं सकता उसका। कोई नहीं दे सकता? नहीं सर, सोल्यूशन देते हैं सर। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? योगेश नाम। कहाँ से हैं आप? नागपुर। नागपुर से हैं आप, तो बताइए ये जो आपने सीपीयू निकाल के लगाया, आप इसको पहले से करते थे? नहीं 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 करते थे। नहीं, कहाँ पे सीखा आपने? आपके यहाँ। यहीं सीखा एशिया टेलीकॉम में? यहाँ की टीम कैसी है? बहुत बढ़िया सर। ऐसा तो नहीं है कि आपके कंधे पे हाथ रखे मस्त जाके चाय पीते हो, सिगरेट का धुआं उड़ाते हो आपके साथ में? नहीं नहीं भैया, नहीं वैसा कुछ नहीं है। प्रोटोकॉल है कि नहीं है? तो रूल रेगुलेशन है कि नहीं? बहुत स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट है। एक बात बताइए, यहाँ पे कोई भी आके सीख सकता है क्या? हाँ कोई भी, इसमें सिर्फ इच्छा होना उसका, बाकी तो कोई बिना मन का आया अगर वो तो फिर यहाँ पे टिक पाएगा? नहीं नहीं, यहाँ का प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। बहुत ट्रिक है, भगा देते बीच में से, भगा देते बीच में से, भगा देते हैं, पैसा वापस देके भगा देते हैं, पैसा वापस देके भगा देते हैं। क्योंकि देखिए हम नहीं चाहते किसी का पैसा वेस्ट हो, अगर उसको काम सीखना है तो गुरु को स्टिक होना बहुत जरूरी है कि नहीं? गुरु अगर डिसिप्लिन में रहेगा तो चेला भी डिसिप्लिन में ही रहेगा। अगर मैं बात करूँ आपसे योगी जी, पहले दिन से लेके अभी तक के क्लास में कोई ऐसा दिन हुआ जो आपको टाइमिंग दिया गया हो क्लास का और उसके आधे घंटे बाद कोई टीचर आया हो, या फिर एक मिनट की मैं अगर बात कर लूँ तो एक मिनट कोई टीचर लेट हुआ है क्या? नहीं सर, नहीं, टीचर भी बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं, इसीलिए सब चेले भी उनके डिसिप्लिन में ही रहते हैं। ऑन टाइम होता है सारा चीज़? ऑन टाइम। अगर आपकी क्लास 12 बजे लगनी है तो 12 बजे ही लगता है, सर्विस 8 बजे लगना है तो 8 बजे ही लगता है। देखो लगने का तो टाइम है, छूटने का टाइम नहीं है। छूटने का कोई टाइम नहीं है। तो ओवरऑल कैसा रहा डुअल डेकर का क्लास? बहुत बढ़िया रहा। क्या बोलना चाहेंगे आप अपने शब्दों में देव सर के लिए, क्या बोलना चाहेंगे? देव सर इज ब्रिलियंट, गुरु को जैसा होना चाहिए वैसा बिल्कुल रहते हो वैसा है। और उनकी टीम? उनकी टीम को एकदम ऑसम है, एवेंजर्स। एवेंजर्स, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी आप इसको लगाने वाले हैं? हाँ। चलिए ठीक है, बताइए क्या नाम है आपका? मयंक विश्वकर्मा। कहाँ से हैं आप? देवास से सर। देवास से हैं आप, तो आज आपका किस चीज़ का क्लास था? डुअल डेकर आपने निकाल के रिवॉल्व किया है? फर्स्ट टाइम। कौन से स्टेंसिल से किया आपने? यूनिवर्सल से। यूनिवर्सल से पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है सर। पॉसिबल है, कहाँ पॉसिबल है? एशिया टेलीकॉम। कहाँ पे सीखा आपने डुअल डेकर को निकालना और लगाना? एशिया टेलीकॉम में सीखा, और फर्स्ट टाइम किया और फर्स्ट टाइम रिवॉल्व किया। रिवॉल्व भी अच्छा हुआ है सर। सर को आपने दिखाया? दिखाया। सर ने पास किया इसको? यस सर, परफेक्ट। ओवरऑल कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? बहुत अच्छा रहा। बात करें हार्डवेयर का, जो देव सर के साथ में आपका पूरा हार्डवेयर हुआ, देव सर के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देव सर के बारे में तो कोई जवाब ही नहीं है सर। जवाब नहीं है। जो हार्डवेयर वो सिखा सकते हैं और कोई नहीं सिखा सकता। कोई नहीं सिखा सकता। ओवरऑल जो आप सोच के एशिया टेलीकॉम ज्वाइन किए या फिर एशिया टेलीकॉम को चयन किया आपने कि हाँ मुझे यहीं पे सीखना है, तो वो आपके ज़्यादा मिला सर? सोच से ज़्यादा मिला। ज़्यादा मिला? यस सर। चलिए ओवरऑल क्या बोलना चाहेंगे एशिया टेलीकॉम की? बहुत बढ़िया, नंबर वन इंस्टीट्यूट। बहुत बढ़िया। यहाँ के टीचर्स कैसे हैं? सर स्टाफ बहुत अच्छा है यहाँ का। बढ़िया है जी सर। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मनोज सर। मनोज जी कहाँ से हैं आप? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से। बहुत दूर से आप एशिया टेलीकॉम ज्वाइन किए हैं, आज आपका ईएमएमसी का ईएमएमसी का लास्ट डे है और ऊपर से आप डुअल डेकर क्लास है, तो ये जो डुअल डेकर का क्लास हुआ है ये आपने खुद से रिवॉल्व किया या फिर किसी सर ने आपके रिवॉल्व किया? मैंने किया। आपने खुद से किया? तो जो चीज़ सोच के आप रिसेंटली हम ज्वाइन किए थे वो चीज़ मिला नहीं? उससे भी ज़्यादा मिला। जो कमेंटमेंट हमने किया था आपको कि आपसे डुअल डेकर भी करवाएंगे, एक आईसी निकलवाने से लेकर लगवाने तक का, चालू करने तक, और एक कंपोनेंट से लेकर डुअल डेकर तक का आपको सफर कराएंगे, तो कैसा रहा? बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया। यस सर। तो क्या बोलना चाहेंगे जो नए स्टूडेंट एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करना चाहते हो? जिसको भी सीखना है वो यही आइए, बाहर किधर भी नहीं जाए। पैसा वसूल है? यस सर, 100%। 100%? यस सर। ये आपने निकाल के लगाया है, चलिए ठीक है, इसको आप सेट करने वाले हैं? हाँ सर। चलिए ठीक है, थैंक यू।
पूछूंगा। क्या नाम है आपका? रजत सूर्यदत्त। कहाँ से हैं आप? वेस्ट बंगाल। आज आपकी किस चीज़ की क्लास थी? एमएमसी की क्लास थी या फिर डुअल डेकर की क्लास थी? डुअल डेकर। आपसे निकालते बनी? यस सर। रिवॉल्व करते बनी? बने सर। क्लीनिंग प्रोसेस सारा चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताया गया आपको? स्टेप बताया सर। आपका अनुभव बहुत बढ़िया सर। बात करें दो सर की, जो सारा सेक्शन आपका हार्डवेयर का जो भी हुआ है आपका देव सर के साथ में हुआ है, तो वो कैसा रहा अनुभव? सर बहुत बढ़िया। आज आपको कोई सी भी पीसीबी दे दे तो आप सीपीयू देखते हो उसका पावर, सेकंड पावर, चार्जिंग आईसी, ये सब सारी चीज़ बता पाएंगे आप? बता पाएंगे। ये जो डुअल डेकर आपने निकाल के रिवॉल्व किया है, हालांकि आपने सीपीयू लगा दिया है, इनमें कौन सी एक्सटेंशन से निकाल के लगाया? यूनिवर्सल से। यूनिवर्सल से पॉसिबल है? यस सर पॉसिबल। कहाँ पॉसिबल है सर? मैंने तो किया। ये कहाँ पे पॉसिबल है सर? मैंने तो किया सर यूनिवर्सल। यहाँ पे पॉसिबल है एशिया टेलीकॉम से? चलिए ठीक है, अगर आपको देखे कोई एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करना चाहते हो तो आ सकते हैं सर। पैसा वसूल है? पैसा वसूल आपका हुआ? पैसा वसूल। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? रहमतुल्ला। कहाँ से आप? गोवा से। गोवा से आप रहने वाले कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश। एक बात बताइए, आप गोवा से इतनी दूर आप यहाँ आए क्यों? यहाँ पे कैसे आए सर? मैं यहाँ पे सीखने के लिए आया। सीखने के लिए आए? Yes, तो आप कितने दिन से एशिया टेलीकॉम फॉलो कर रहे थे? सर मैं तो 2020 से 2019 से फॉलो कर रहा हूँ। 2019 से एशिया टेलीकॉम फॉलो कर रहे हैं आप, 2022 में आए, इतना लेट क्यों किया? सर आने का चांस नहीं मिला उधर, कोविड स्टार्ट हो गया, फिर कोविड से भी नहीं आने को मिला, फिर बीच में और टाइम नहीं मिला, अभी टाइम मिला तो तुरंत एशिया टेलीकॉम को ज्वाइन किया। तो एक बात बताइए, यहाँ पे आने के लिए जिसको आना हो वो कौन आ सकता है यहाँ? बिल्कुल सर वही आ सकता है जो डिसिप्लिन में रहे, जिसको सीखना है वही आ सकता है, जिसको मेहनत करना वही आ सकता है। एक बात बताइए, अगर कोई 12 घंटा सोने वाला हो, मस्त दबा के खींच के खाने वाला हो, उसको तो बेकार है, पैसा बेकार है, पैसा वेस्ट करेगा वो, पैसा वेस्ट करेगा। एक बात बताइए आपसे रहमतुल्ला, मैं पूछना चाहूँगा कि आपके साथ, आप तो इस फील्ड में काफी दिनों से हैं, आपके साथ में फ्रेशर स्टूडेंट भी आए हैं? हाँ सर फ्रेशर स्टूडेंट। उन्होंने काम सीखा नहीं सीखा? यस सर काम। उन्होंने डुअल डेकर रिवॉल्व किया कि नहीं निकाल के? रिवॉल्व किया, अभी आपने वीडियो भी बनाया, 2-3 स्टूडेंट है, जो एक स्टूडेंट तो आसाम से हैं वो भी मोबाइल का कभी नहीं किए थे, 2-3 स्टूडेंट और हैं पीछे हमारे, उन्होंने भी डुअल डेकर रिपेयर किया। डुअल डेकर किया है तो ओवरऑल कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? अच्छा। पैसा वसूल जैसा बोलते हैं, क्या बोलना चाहेंगे आप देव सर के लिए? बहुत बढ़िया, बेस्ट, क्योंकि हम लोगों को इतना नॉलेज नहीं था, बहुत नॉलेज दिया देव सर ने। बहुत नॉलेज है। चलिए ठीक है, नॉलेज तो देखते ही, आप नॉलेज लेने के लिए आए हैं, तो जो सोच के आया वो मिला कि नहीं मिला? मिला। अब उस पर एक्सपीरियंस करना, काम करना, वो हमारी जिम्मेदारी। चलिए उन्होंने अपने हिसाब से तो 100% दिया, कितना कैप्चर कर पाते हैं वो हमारे IQ के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? लखन बुंदेला। लखन जी कहाँ से हैं आप? इंदौर से। इंदौर से हैं आप? यस सर। इंदौर में भी तो इंस्टीट्यूट है, आप यहाँ क्यों आए? सर हम यहाँ 4 साल से फॉलो कर रहे हैं। अगर मैं भोपाल में भी जा सकते तो वहाँ क्यों नहीं गए? नहीं सर, हम यहाँ का आउटपुट देख के आए, बिल्कुल यहाँ पे हर दिन क्लास होता है, उसका रिव्यू होता है, कैसे पढ़ाया जाता है, हर चीज़ के बारे में समझाया जाता है सर, जो हमने देखा है ना वही हमको यहाँ पे आके मिला है। जो वीडियो में आपने देखा वो चीज़ वही चीज़ मिली, और बहुत ही हाई लेवल की मिली है सर, उसको सर एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, क्योंकि हमने भी यहाँ पे फीस दिए। आज जो डुअल डेकर का क्लास हुआ है आपका सर जी, मैं बात करूँ बिल्कुल, आप इस मोबाइल के फील्ड में कितने दिनों से हैं? सर ये तो अभी हमने फर्स्ट बार में 8 साल से हैं, लेकिन अभी फर्स्ट बार किया है। फर्स्ट बार किया आपने, अब आपसे डुअल डेकर करके बनेगा कि नहीं? सर बन जाएगी। बात करें पहले दिन से आप आज तक का अनुभव आपसे पूछना चाहूँगा मैं, तो कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा सर, बिल्कुल हर चीज़ का नॉलेज मिला है, हर लाइन का नॉलेज मिला है, हर सर्किट बताया गया है, कौन सी चीज़ कहाँ है, क्या है, हर चीज़ के बारे में बताया गया है। आवश्यकता अनुसार ऐसा तो नहीं है कि आपकी जितनी ज़रूरत है, आपकी जितनी कैपेबिलिटी है उतना दिया गया हो? नहीं सर ऐसा नहीं पाया गया हो? नहीं ऐसा नहीं है सर, पूरा पढ़ाया गया, पूरा नोट्स भी, उसकी वॉइस रिकॉर्ड भी है, अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो उसको रिवाइज करके हम सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम। कर सकते हैं। यस सर, बात करूँ आपसे बैकअप क्लास के बारे में, बैकअप क्लास भी सर हमको बिल्कुल अच्छी मिलेगी, अभी 3 महीने का बोला हुआ है सर बैकअप क्लास के लिए, अभी जहाँ भी प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम को क्रिएट करके रखना है और यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं आके। ओवरऑल पूछना चाहूँगा आपसे कि देव सर के बारे में आप क्या बोलेंगे? देव सर के बारे में सर इतना नॉलेज है उन्हें कि कौन सी चीज़ कब पढ़ाना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, किस टाइम पर पढ़ाना चाहिए, कंपोनेंट की क्लास कब लेना चाहिए, कौन सी क्लास कब लेना चाहिए, देव सर ने इतने हाई लेवल का इतना समझ के इतना डिसिप्लिन किया है बच्चों को जिसका सर बता नहीं सकते। बहुत अच्छा पढ़ाना। यहाँ की टीम भी सर इतने अच्छे टीचर्स हैं, सारे टीचर्स इतने अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि दोस्ती आ रही है ऐसा है चिल्लाएंगे, नहीं सर चिल्लाते भी है हमारे लिए चिल्लाते, और जब तक काम खत्म नहीं होता है टीचर जो पढ़ाते हैं ना तो रात के 10 भी बज जाते 11 भी बज जाते जब तक खड़े रहते हैं। हाँ सर हमारे साथ खड़े रहते, जो भी प्रॉब्लम होती है उसका पूरा सोल्व करवाते, उसके बाद ही हमें यहाँ से छोड़ा जाता है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी आप इसको लगाने वाले हैं? यस सर लगाएंगे। ओके सर। लश्कर जी कहाँ से हैं आप?
हाँ, मैं आसाम से मोहम्मद हुसैन लश्कर। तो हम 28 मई से हमारा क्लास शुरू हुआ है। तो आज हमारा लास्ट 2 डेज, यानी कल हमारा लास्ट क्लास होगा। तो आज हमारा ड्यूअल डेकोर का क्लास हुआ है। कैसे ड्यूअल डेकोर को रिमूव करना है, कैसे लगाना है, इसमें उसका ऊपर में रैम रहता है, तो पूरे टिक्स हमको साड़ने सिखाया है। सैंडविच ऐसी चीज़ को बोलते हैं। तो लश्कर जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक बार बताइए, कोई भी ड्यूअल डेकोर फ़ोन आएगा वैसे ही ऐसी उठा देंगे क्या? आपको क्या फॉल्ट आएगा कि आपको ड्यूअल डेकोर निकाल के रिवॉल्व करना है, ये आपको बताया गया है? हाँ। कितने हीट पे, कितने एयर पे आपको निकालना है, ये भी बताया गया है? पूरा नोट्स बनाकर हमको दिया है। नोट्स बनाया गया है, स्टेप बाय जो हमको नोट्स बनाकर दिया है। पहले हमको आई स्कैन सिखाया गया, तो हम अभी बोर्ड, ये जो बोर्ड है ना, बोर्ड हम देखने के बाद हमारा नज़र में आ लगता है ये ड्यूअल डेकोर है या EMCP है या कोई पावर IC है। तो पहले हम आई स्कैन करता है और उसके बाद वर्क में जाता है। तो मतलब बोर्ड देख के आप बता सकते हैं कि इसमें ड्यूअल डेकोर लगा है कि नहीं लगा है, फर्स्ट पावर लगा है, सेकंड पावर लगा है, ये सब सारी चीज़ें आप बता सकते हैं? सारा चीज़ें। इतना मतलब नज़रिया कब बदल गया आपका? तो पूरे 28 दिन तक हमारा नज़रिया बदलते जा रही है। जब हम एडवांस हो जा रहे हैं, पहले से जो हमको नॉलेज मिल रहा है ना, तब हम एडवांस लेवल तक पहुंच रहे हैं। ओवरऑल कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका पूछें तो? बहुत बढ़िया रहा। बहुत बढ़िया। पैसा वसूल ऐसा बोल रहे हैं? पैसा वसूल है, पूरा वसूल। आपका वसूल हुआ? हमारा वसूल। और बाकी स्टूडेंट की बात करें तो? सबका वसूल हुआ है। सबका हुआ। यहाँ पे ड्यूअल डेकोर किस किस ने किया है? सब ने किया है। सब ने किया है, ऐसा तो नहीं है कि किसी ने ना किया हो? नहीं नहीं, सब ने किया है। चलिए ठीक है। ओवरऑल क्या बोलना चाहेंगे आप एशिया टेलीकॉम के लिए? अगर एशिया टेलीकॉम को ये आना चाहता है तो मस्त आ सकता है, क्योंकि इंडिया में एशिया टेलीकॉम के बिना हर नॉलेज ज़्यादा, हर मतलब जिस तरह नॉलेज यहाँ पर हमको मिलता है ना, तो वो दूसरा स्टूडेंट में ऐसा नहीं मिलता है। क्योंकि हम भी स्टूडेंट का रिव्यू देकर आया है और 2 साल से हम फॉलो कर रहे हैं आने के लिए, लेकिन सीट नहीं मिलता है। स्टूडेंट का ज़्यादा मतलब डिमांड रहता है ना स्टूडेंट आने के लिए, तो हमको 2 साल से फॉलो करने के बाद मिला है। और हम जिस तरह पहले से रिव्यू में दिखा था, जिस तरह स्टूडेंट रिव्यू देता है, क्लास हो रहा है, ऐसा अच्छा क्लास होता है, ऐसा अच्छा टीचर भी अच्छा है, तो हम प्रैक्टिकल में आया और तब भी देखा, जब स्टूडेंट का पहला रिव्यू और हमारा जो रिव्यू आप जो स्टूडेंट देख रहा है ना, तो ये पूरा बराबर है। बराबर है। हाँ। चलिए, क्या बोलना चाहेंगे आप देव सर के लिए? देव सर तो मतलब इंडिया में एशिया टेलीकॉम देव सर ने खुला है ना, तो हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा से चलेगा। क्योंकि एक मुझे हमें कुछ करने का एक जगह मिला है, सीखने का एक जगह मिला है, यानी इंडिया में हमें अच्छा ट्रेनर, अच्छा टेक्निकल बनने का एक घर मिला है। चलिए ठीक है। बहुत बहुत थैंक्स फॉर देव सर ऑफ ऑल टीम ऑफ एशिया टेलीकॉम। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। परमेश्वर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सीखो निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं?